फाइनली द लास्ट ऑफ अस का फिनाले एपिसोड आ चुका है, यानी कि 9th एपिसोड। इसी एपिसोड के साथ इस सीरीज के फर्स्ट सीजन का कम्प्लीटली एंड हो चुका है। और जो लोग भी इस सीरीज के कम्प्लीट होने का वेट कर रहे थे कि एक बार सारे एपिसोड्स आ जाए तो हम एक ही बार में उन सारे एपिसोड्स को देख लेंगे, सो अब आप लोग द लास्ट ऑफ अस के फर्स्ट सीजन को आराम से बिंज वॉच कर सकते हो क्योंकि इसका फर्स्ट सीजन एंड हो चुका है। और हाँ, इसके बाकी एपिसोड्स की तरह ही ये 9th एपिसोड भी अच्छा था, लेकिन अब ये फिनाले था तो मे भी हो सकता है कि आप लोग इस फिनाले से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये फिनाले बहुत बड़ा और ग्रैंड होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये फिनाले ग्रैंड तो नहीं था, लेकिन आप लोगों को इस 9th एपिसोड में एक्शंस भी देखने को मिलेंगे और इमोशंस भी देखने को मिलेंगे। वैसे इस 9th एपिसोड को एक इमोशन सीन से ही स्टार्ट किया गया है, जिसमें हमें ये दिखाया है कि एली की मॉम, जो एली को लेके प्रेग्नेंट है, वो एक इन्फेक्टेड से दूर भाग रही है। और यहाँ पे एली की डिलीवरी बहुत नजदीक आ चुकी है और एली के मॉम की वाटर ब्रेकिंग वाली प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुकी है, यानी जब बच्चे की डिलीवरी होने से पहले लेडीज के अंदर से जो फ्लूइड निकलता है वो वाली प्रोसेस। सो एली की मॉम जंगल से भाग भाग के एक घर में चली जाती है जहाँ पे वो एली को जन्म ही देने वाली होती है, तभी वहाँ पे एक इन्फेक्टेड आ जाता है जो एली की मॉम पे हमला तो करता है लेकिन एली की मॉम उसे मार देती है। लेकिन फिर भी इन्फेक्टेड को मारने से पहले जो हाथापाई होती है उसी के दौरान वो इन्फेक्टेड एली की मॉम के पैर पे काट लेता है, और उसी के जस्ट बाद एली की सडन डिलीवरी हो जाती है और जो बेली वाली नॉट होती है जो मॉम से कनेक्ट होती है उसे भी एली की मॉम काट देती है। और आई थिंक यही रीजन है कि एली उस फंगस से या फिर इन्फेक्शन से इम्यून है, क्योंकि जब उसकी मॉम को इन्फेक्टेड ने काटा था तो एली उसकी मॉम के पेट में ही थी। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि मार्वल के ब्लेड के कैरेक्टर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, यानी जब ब्लेड पेट में था तो उसकी मॉम को एक वैम्पायर काट लेता है, जिसकी वजह से वो बाद में एक हाफ वैम्पायर बनता है और धूप में भी सर्वाइव कर सकता है। जिसके बाद एली की मॉम मार्लिन से रिक्वेस्ट करती है कि वो एली को अपने साथ लेके जाए, क्योंकि वो दोनों बहुत पहले से दोस्त है। और अब एली की मॉम इन्फेक्टेड है तो वो मार्लिन को खुद को मारने की रिक्वेस्ट भी करती है, जिसके बाद मार्लिन उसे मार भी देती है और एली को अपने साथ भी लेके जाती है। और बाकी की स्टोरी तो हमें पता ही है। तो इस एली के मॉम वाले सीन के बाद हमें ये दिखाया है कि जोल और एली उस सिटी में पहुंच जाते हैं जहाँ पे फायरफ्लाइज रहते हैं। हालांकि वो सिटी अबैंडन्ड है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि इस पूरी सिटी में फायरफ्लाइज आखिर रहते कहाँ पे हैं। तो उसी जगह को ढूंढने के दौरान ये दोनों जब पैदल ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमें कुछ ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जो डायरेक्ट गेम से उठाए गए हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें गेम्स में भी दिखाया है कि जोल और एली को जब किसी घर के ऊपर वाले फ्लोर पे चढ़ना होता है जहाँ पे चढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो जोल एली को एक गड्ढे से ऊपर पुश करता है जहाँ से एली फिर लैडर नीचे फेंक देती है। इसी सीन के बाद हमें जिराफ वाला सीन भी दिखाया गया है जो गेम में भी है। वैसे देखा जाए तो इस एपिसोड में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो डायरेक्ट हमें गेम से कनेक्ट कराती है। सो जब ये दोनों यानी जोल और एली एक दूसरे से बात करते हुए ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमें जोल की एक बैक स्टोरी के बारे में भी पता चलता है कि कैसे जोल ने खुद की जान लेने की कोशिश की थी, क्योंकि उसकी बेटी के डेथ के बाद उसके जिंदा रहने का कोई पर्पस ही नहीं बचा था। जिसके बाद जब ये दोनों ऐसे ही जब नॉर्मल बातें करते हुए जा रहे होते हैं तो कुछ लोग इन पे पीछे से हमला करते हैं और इन्हें बेहोश करके अपने एरिया में लेके जाते हैं, जहाँ पे बाद में हमें पता चलता है कि ये फायरफ्लाइज के ही लोग थे। और वहाँ पे जब जोल होश में आता है तो मार्लिन भी वहाँ पे प्रेजेंट होती है, जिसे हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था। अगर आप लोगों को याद नहीं होगा तो मैं याद दिला देता हूँ कि मार्लिन वही है जिसने जोल और टेस को एली को फायरफ्लाइज तक पहुंचाने का मिशन दिया था। तो वही मार्लिन यहाँ पे जोल को बताती है कि एली को अभी सर्जरी के लिए भेजा गया है। और यही पे मार्लिन हमें ये भी बताती है कि एली के पैदा होने से पहले ही उसके ब्रेन के अंदर कुछ कॉर्डिसेप्स है जो उसके एज के साथ ग्रो भी कर रहे हैं, और जो बाकी नॉर्मल कॉर्डिसेप्स है जो इन्फेक्टेड लोगों के अंदर होते हैं उन्हें ये लगता है कि एली ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल कॉर्डिसेप्स एली को इन्फेक्ट नहीं करते और इसीलिए एली इम्यून है। जैसा कि हमें मार्लिन ने बताया कि एली की सर्जरी होने वाली है तो उसके ब्रेन को खोला जाएगा और उसके ब्रेन के अंदर जो कॉर्डिसेप्स है उसे निकाला जाएगा। उन कॉर्डिसेप्स के वेरिएंट्स बना के या फिर उन्हें मल्टीप्लाई करके जो भी कह लो उसे बाकी लोगों को एज अ क्योर दिया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि एली के ब्रेन को खोला जाएगा तो एली जिंदा नहीं बचेगी, और ऑब्वियसली जोल ऐसा नहीं चाहेगा कि एली की मौत हो। और फिर एली को बचाने के लिए जोल वहाँ पे फायरफ्लाइज के वांदे कर देता है, यानी कि सबको मारने लगता है। जिसके बाद जोल एली के पास पहुंच तो जाता है लेकिन एली को एनेस्थेसिया देने के कारण वो ऑलरेडी बेहोश होती है, जिसकी वजह से वो एली को अपनी बाहों में उठा के लेके जाने ही वाला होता है तो वहाँ पे पीछे से मार्लिन आती है जो जोल पे गन पॉइंट करके उसे समझाने की कोशिश करती है कि यही एक रास्ता है कि जिससे हम इस महामारी का क्योर बना सकते हैं और एली की वजह से हम पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। लेकिन जोल ऑब्वियसली फिर से अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता, इसलिए वो मार्लिन को मार देता है। जिसके बाद जोल एली को वहां से लेके निकल जाता है और एली के होश में आने के बाद वो उसे बिल्कुल भी नहीं बताता कि उसने मार्लिन को मारा और फायरफ्लाइज के साथ उसने क्या किया, यानी कि एली को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि उसके ब्रेन की सर्जरी होने वाली थी और वो मरने वाली थी। और जोल भी एली को ये इसलिए नहीं बताता क्योंकि उसे लगता है कि अगर ये एली को पता चल गया तो एली उससे बहुत गुस्सा करेगी या फिर इन दोनों का रिलेशन खराब हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली एली की जो करीबी थी यानी कि मार्लिन उसे जोल ने मार दिया है। वैसे वहां पे एली को डाउट्स तो आते हैं
है कि जोल ने कुछ ना कुछ तो कांड किया है और एली को झूठ बताया है कि वहाँ पे एली के जैसे ही इम्यून लोग बहुत सारे हैं जिसकी वजह से उन्हें एली की जरूरत नहीं है। और इसीलिए एली भी जोल को स्वेयर लेने के लिए कहती है कि जो भी तुमने फायरफ्लाइज के बारे में मुझे बताया वो सच है, जहाँ पे जोल स्वेयर ले लेता है और यही पे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। और आई थिंक इसी झूठ के कारण द लास्ट ऑफ अस के सीजन 2 में इनके रिलेशन के वांदे होने वाले है। और जिन्होंने द लास्ट ऑफ अस के दोनों ही गेम्स खेले है उन्हें ऑलरेडी पता है कि इसके आगे क्या होने वाला है, जो कि सच में बहुत इंटरेस्टिंग है और सीजन 2 में हमें बहुत मजा भी आएगा। सो हाँ, ओवरऑल ये फिनाले मुझे अच्छा लगा, जो ज्यादा ग्रैंड नहीं था लेकिन जैसा भी था वैसा मुझे अच्छा लगा। और हाँ, अब जब द लास्ट ऑफ अस का फर्स्ट सीजन कंप्लीट हो चुका है तो क्या मैं इस सीरीज का ओवरऑल रिव्यू करूँ या फिर नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही मुझे ये भी बताना कि द लास्ट ऑफ अस के फर्स्ट सीजन की आप लोगों को कौन सी चीजें अच्छी लगी और कौन सी नहीं। सो अगर आप लोगों को इस वीडियो में से थोड़ा सा भी कुछ पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही मूवीज रिलेटेड कंटेंट मेरे चैनल पे रोज आते हैं, तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। सो मिलता हूं ऐसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।